हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रितेश देसाणी। आप देख रहे हैं आज रिव्यू अपडेट। तो आज मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई मूवी मदर एंड एंड्रॉइड के बारे में। तो फिर क्या आपको आपका कीमती समय इस मूवी को देना चाहिए, क्योंकि ये आपका अच्छा खासा टाइम ले लेते हैं, यानी कि 2 घंटे ले लेती है। और जी हाँ, इसे नेटफ्लिक्स पे हिंदी में भी रिलीज किया गया है, और जी हाँ, इसकी हिंदी डबिंग भी अच्छी की गई है। फिर बात करें मूवी की स्टोरी लाइन को लगे, तो मूवी की स्टोरी लाइन में एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे एंड्रॉइड ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, और उन्हीं एंड्रॉइड के बीच में जॉर्जिया और उसके हस्बैंड यानी कि उन दोनों को सर्वाइव करने के लिए कौन कौन से डिसीजन लेना पड़ते हैं। और जी हाँ, जॉर्जिया इसमें पेट से यानी कि उसे बच्चा भी होने वाला है, तो फिर वो उसे कैसे लाती है और उसे क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है, यही कुछ देखने के लिए आपको देखना होगा मदर एंड एंड्रॉइड। तो फिर मैं आपको बता दूं कि द टर्मिनेटर एंड क्वाइट प्लेस की स्टोरी लाइन को अगर हम मिक्स कर देते हैं, तो फिर हमें मिलते हैं मदर एंड एंड्रॉइड की स्टोरी लाइन। तो फिर बात करें कि आप अपने पूरी फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं, तो जी हां फ्रेंड्स, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ब्रूटल एक्शन सीन दिखाए गए हैं। फिर बात करें सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन को लेके, तो वो भी बजट के हिसाब से अच्छा है। मे भी इसे बहुत ज़्यादा अच्छा बजट मिल जाता तो और भी ज़्यादा अच्छी बन सकती थी, लेकिन फिर भी डायरेक्टर ने अपनी तरफ से पूरी की पूरी 100% कोशिश की है हमें एक विजुअली ट्रीट मूवी देने की, वो देने में सफल भी होते हैं। तो फिर बात करें VFX सेट डिजाइनिंग, कलर करेक्शन, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग को लेकर, तो वो भी बजट के हिसाब से ठीक ठाक है। बात करें कैरेक्टर डेवलपिंग को लेकर, तो वो भी आपको कहीं पे निराश नहीं करती, जो आपको एक लवेबल कैरेक्टर देने में कामयाब भी होती है। फिर मूवी अच्छी है, तो फिर वीडियो को लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर आ जाते हैं मेरी रेटिंग के ऊपर, तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 out of 4 star की रेटिंग। तो फिर बात करें मैं इसे इतनी ज़्यादा रेटिंग क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जो इसका जो लास्ट का जो सस्पेंस था वो तो मैंने गेस ही नहीं किया था, और नो डाउट आप भी नहीं करोगे जब आप इस मूवी को देखोगे। तो क्योंकि जो इसका लास्ट का सस्पेंस था वो बहुत ज़्यादा दमदार था, और नो डाउट उसी की वजह से मैं इसे इतनी ज़्यादा रेटिंग दे रहा हूँ। और जो मूवी में हमें छोटे मोटे सस्पेंस और थ्रिल दिखाए गए, उसके कारण भी मैं इसे इतनी ज़्यादा रेटिंग दे रहा हूँ। इसलिए आप इसे एक बार तो इस मूवी को जरूर देखें। दिलाए फ्रेंड्स, है मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू या फिर अपडेट में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल के दूसरे रिव्यू या फिर अपडेट को एंजॉय करें। टिल देन, बाय।